आज हमारे पास मौजूद है थर्मल कनेक्टिविटी मेजरमेंट यूनिट। बेसिकली जो हमारे पास इसकी बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की जो अपर बॉडी है इसके अंदर हमने 300 वॉट का हीटर लगा रखा है जो ऊपर से हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। जो नीचे वाली बॉडी है यहाँ पर हमारे पास पेल्टियर है। पेल्टियर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट कॉज हीटिंग एंड कूलिंग एज वेल। इसकी दो साइड होती हैं, द फर्स्ट इज वन फॉर कूलिंग द अदर वन फॉर हीटिंग। अब हम जोन सी वायर को अपने इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो उसी हिसाब से या हीटिंग या कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। अब बेसिकली हमने इसके अंदर डेल्टा देखना होता है कि वेदर हीटिंग एंड कूलिंग साइड के अंदर कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। पेल्टियर को हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं एज अ कूलिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि कूलिंग प्रोड्यूस करेगा नीचे से, और ऊपर हमारे पास हीटर लगा हुआ है जो हीटिंग एलिमेंट के तौर पर, हीटर के तौर पर हमारे पास काम करेगा। डिफरेंट हमारे पास सेंसर्स मौजूद हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, LM35 ने यूज़ किया है, और हीटर को मेजर करने के लिए हमने थर्मोकपल को यूज़ किया है। ये इसका हमारे पास इलेक्ट्रिकल पैनल है। ऑन ऑफ का बटन स्टार्ट करते ही हमारे पास जो आपका पैनल है वो स्टार्ट हो जाएगा। हीटर की पावर मेजर करने के लिए पावर मीटर हमारे पास मौजूद है। मेन इंडिकेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, USB पोर्ट और रीसेट बटन, ताकि अगर आपकी LCD में कोई फॉल्ट आ जाए तो हम इसको रीसेट कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे वो हमसे पूछेगा कि आपने LCD मोड के अंदर जाना है या सॉफ्टवेयर मोड के अंदर जाना है। तो अभी हमने सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जाना, तो हम डायरेक्ट LCD मोड के अंदर जाएंगे। तो जैसे ही LCD मोड के अंदर जाएंगे वो हमारे पर डिफरेंट सेंसर शो करेगा टेम्परेचर के, और पूछेगा कि अगर हमने हीटर को स्टार्ट करना है और पेल्टियर को स्टार्ट करना है। हम हीटर को और पेल्टियर को स्टार्ट करने के लिए LCD की मदद लेंगे, और एक खास टेम्परेचर के ऊपर जाकर हमारा जो पेल्टियर और हीटर है वो स्टॉप कर जाएगा। इसके पीछे हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल्स रखे हुए हैं। हम डिफरेंट सैंपल्स की मदद से अपनी डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं हीटिंग और कूलिंग एलिमेंट के लिए।